नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान और नीपुर सिकरे ने 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज की थी। अब कपल उदयपुर के ताज लेक पैलेस में महाराष्ट्र रीति रिवाज से शादी करने जा रहे हैं। 10 जनवरी को कपल पारंपरिक तौर पर शादी के बंधन में बंधेंगे। इससे पहले कपल की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज जारी है। आज आयरा ने अपने हाथों पर पति नीपुर के नाम की मेहंदी लगाई और फंक्शन में कपल ने खूब डांस भी किया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आयरा खान और नीपुर सिकरे के मेहंदी सेरेमनी में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीपुर सिकरे रैपर और सिंगर बादशाह के गाने जुगनू पर जमकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एक्ट्रेस और आयरा खान दोस्त मिथिला प्रकार भी दिल खोलकर ठुमके लगाती दिखी। वहीं दुल्हनिया आयरा खान भी हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी रचाए नाचती नजर आई है। आयरा खान और नीपुर सिकरे की शादी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और इसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। आयरा खान ने मेहंदी के लिए व्हाइट गाउन चुना था। इसके साथ एक्ट्रेस ने हैवी ज्वेलरी भी अपेयर की। अपने मेहंदी के फंक्शन में आमिर खान की लाडली अपनी गर्ल गैंग के साथ नजदे सारे गाने पर खूब डांस करती दिखी। वहीं इससे पहले आयरा और नीपुर सिकरे के प्री वेडिंग फंक्शन से एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें किरण राव इंग्लिश गाने गाती नजर आ रही थी। वहीं इस गाने की धुन पर दूल्हा दुल्हन यानी आयरा और नीपुर रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ डांस करते दिख रहे थे। बता दें कि लगातार आयरा खान और नीपुर सिकरे के प्री वेडिंग फंक्शन से जुड़े वीडियो सामने आ रहे, जिसे देखकर यह साफ पता चलता है कि कपल के वेडिंग को पूरी फैमिली काफी एंजॉय कर रही है। वहीं बीते दिनों आमिर खान भी राजस्थानी गानों पर जमकर डांस करते हुए नजर आए थे। आपको पता होगा कि आयरा खान और नीपुर सिकरे लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पिछले साल ही कपल एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की थी और अब वो शादी के बंधन में बंधने जा रही है। बता दें कि आयरा खान और नीपुर सिकरे की शादी की रस्में 7 जनवरी से शुरू हुआ है। दोनों की शादी में कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल होंगे। इसके बाद आमिर खान 13 जनवरी को बेटी का मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे, जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटी के शामिल होने की उम्मीद है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।